हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जैसा कि आप सभी को पता है कि ESIC ने अपनी UDC, स्टेनो और MTS की वैकेंसी ऑलरेडी आउट कर दी है। आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो आपका आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि भाई अगर आप UDC के लिए फॉर्म भरते हैं तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या आपका इसमें कैरियर ग्रोथ है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में कवरअप करूँगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा और बहुत ही ध्यान से देखेगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलें आगे की अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सी अपडेट्स लाऊंगा। स्टेनो की अभी मैं बताऊंगा, MTS की बताऊंगा, ठीक है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो और शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी लोग हैं शेयर करें, जिससे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये जानकारी मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहती है कि अगर आप रीजनल ऑफिस हेडक्वार्टर्स या सब रीजन ऑफिस में पोस्टेड हैं तो अकाउंट रिलेटेड वर्क आपको करना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग लेटर्स का वर्क आपको करना पड़ेगा, मेंटेनिंग फाइल्स का करना पड़ेगा और ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ डाटा का भी आपको वर्क जो है वो करना पड़ेगा। अगर आप ब्रांच ऑफिस है मतलब नॉन कैशियर है तो वहाँ पर भी आपको लेटर को ड्राफ्ट करना आना चाहिए, मेंटेनिंग रजिस्टर्स, प्रिपेयरिंग मंथली क्वार्टरली ईयरली रिपोर्ट, प्रिपेयरिंग ऑनलाइन पेमेंट डॉकेट्स और आपका वेरियर सर्टिफिकेट जो आपको है वो अपलोड करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैशियर के तौर पर पोस्टेड है ब्रांच ऑफिस में तो आपको बैंक रिलेटेड वर्क करना पड़ेगा, इश्यूइंग चेक का वर्क करना पड़ेगा और कैश बुक को मेंटेन करने का आपको वर्क जो है वो करना पड़ेगा। ये जो तीन वर्क हैं वो आपको अलग अलग रीजनल ऑफिस हेडक्वार्टर सब रीजन ऑफिस ब्रांच ऑफिस अगर नॉन कैशियर है, अगर कैशियर है तो आपको कौन कौन से वर्क जो है एज ए UDC के तौर पर करने पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको वर्क प्रोफाइल बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सैलरी का भी मैं बता देता हूँ, स्ट्रक्चर सैलरी क्या रहती है कि आपकी ये जो पोस्ट है जैसे कि आप देख रहे होंगे लेवल 4 की पोस्ट होती है, इसमें आपका जो बेसिक होगा वो 25,500 होगा और बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो आपका DA वगैरह आपकी सारी जुड़ के आपकी जो सैलरी बनेगी वो इन हैंड लगभग 39,000 to 40,000 के आसपास बनेगी आपकी इन हैंड सैलरी, ठीक है। अब इसके बाद सिटी बाय सिटी आपका वेरी करेगी सैलरी कि आपके सिटी में पोस्टेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम अपने प्रमोशंस की, भाई क्या कैरियर ग्रोथ है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप किसी भी पोस्ट में सेलेक्ट होते हैं। तो मैं बता दूँ कि जब कोई भी कैंडिडेट्स जब ये जितने भी स्टेजेस होती हैं आपकी, मैंने आपको एग्ज़ाम्स की बताई, प्रीलिम्स, मेंस और CST कंप्यूटर स्किल टेस्ट की, जब ये क्वालिफाई करके रिक्रूट हो जाता है आपका UDC के लिए, ठीक है, तो आपके प्रमोशन के क्या क्या चांसेस होते हैं। सो पहला आपका जो प्रमोशन आता है वो आपका होता है असिस्टेंट के तौर पे, जो कि 4200 ग्रेड पे होता है, मतलब लेवल 6 पे आपका होता है, ठीक है। और ये जो प्रमोशन आपका होता है, ठीक है, ये आपका 3 साल में आपका प्रमोशन होता है। अगर आप सेम UDC कैडर में अगर आप बने रहते हो तो आपका 3 साल में प्रमोशन आपका हो जाता है और डिपेंड करता है कि भाई नंबर ऑफ़ वैकेंसी कैसी है, क्योंकि कारण क्या रहता है कि आपने देखा स्टेट वाइज अलग अलग आपका इसमें रिक्रूट अलग अलग वैकेंसीज हैं, तो जिस स्टेट में या जहाँ पर आप पोस्टेड हो वहाँ पर असिस्टेंट की जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंगली आपका होता हो सकता है कि आपने 3 साल कंप्लीट किया उसके बाद वैकेंसी नहीं है तो आपका नेक्स्ट ईयर में आपका होगा, जब भी वैकेंसी आएगी तुरंत आपका प्रमोशन जो है वो 4200 पे ग्रेड पे पहला प्रमोशन हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा जो होता है वो आपका एक सीनियर असिस्टेंट के तौर पर होता है, ठीक है। ये जो आपका प्रमोशन होता है ये भी आपका 3 साल अगर कोई कैंडिडेट अगर असिस्टेंट मतलब 4200 ग्रेड पे के तौर पर अगर बना रहता है तो आपका ये 4600 पे आपका हो जाता है। और ये प्रमोशन जो होता है वो आपका कहलाता है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर पे, आपका प्रमोशन जो होता है वो 4600 ग्रेड पे हो जाता है और यहाँ पे वो जो हो जाता है वो यहाँ पे गेस्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान रखिए। इसके बाद के जो भी आपके प्रमोशंस होते हैं वो आपका ग्रुप ए में सारे आ जाते हैं, ये जो आपका है ये ग्रुप बी का प्रमोशन है, ठीक है। ग्रुप ए के प्रमोशन आ जाते हैं जो कि आपका अलग से सीनियर ऑफिसर के तौर पे आपके अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अभी ये जो प्रमोशन है यही आपका मेन जो अभी तक वेबसाइट में आपका दिया गया है वो यही दो प्रमोशंस आपके दिए गए हैं, ठीक है। आगे अगर कुछ भी अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर इस चैनल पे आपको अवेलेबल कराऊंगा, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक
करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं आप नेक्स्ट आने वाली अपडेट्स के लिए, ओके। और बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ों का जो भी आप क्वेरी डालेंगे उनका मैं आंसर जितना हो सकेगा उतना मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें, वहाँ पर ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको गाइड कर सकेंगे। अगर यहाँ पर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन जो है वो आपको पूरा मिलेगा, ओके।